तो आप सबसे पहले अपने पिक्सार्ट को ओपन कर लीजिए और अपने मॉडल को ऐड कर लीजिए, और आप इफेक्ट में जाए और FX पे जाए। इसके बाद आपको ढूंढना है ब्लैकिंग वाइट, ढूंढना है इसमें BNW, ये रहा। तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसके क्लिक करने के बाद आपको इरेज पर जाना है। इरेजर टूल को अपने हिसाब से एडजस्ट करके मॉडल के बॉडी पार्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, बॉडी पार्ट पर कुछ ऐसे अप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से करना है। इसके बाद हैंड वगैरह पर और फुट वगैरह पर आपको ध्यान से इसको अप्लाई करते जाना है, आराम से, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना। इस तरीके का फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इसी तरह का पोज देना पड़ेगा, फ़ोटो क्लिक करना इसी पोज में। इसके बाद आपको फ़ोटो अच्छा लगे, वरना इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसको आपको यहाँ से डन करना है। इसके बाद आपको एक PNG ऐड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऐड फोटो में जाना है, वो वाला PNG ऐड करना है। इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग में। इसके बाद आपको कर देना है आवर लीक करना है। इसके बाद आपको जाना है इरेजर पे। इसके बाद आपको इसके साइज़ को कम करना है और हार्डनेस को 99% रखना है, और अपने मॉडल के फेस वगैरह से इसको रिमूव कर देना है। इसको आप अपने हिसाब से सही करके करना है, मैं जल्दी कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सही करके करना है। इसके बाद आपको यहाँ से डन करना है, और एक PNG आपको ऐड करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं उसको। तो इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से भी डन कर लेते हैं। सब ऐड फोटो में जाना है, ये वाला PNG आपको ऐड करना है, इसको फुल करना है, फुल स्क्रीन में खुद एडजस्ट हो जाएगा, और मॉडल के फेस वगैरह से इसको रिमूव कर देना है, मॉडल के बॉडी पार्ट से इसको रिमूव करना है बस। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताया करो यार, लाइक भी किया करो, शेयर वगैरह करते नहीं हो आप, वीडियो देखते हो बस जाते हो, लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है, और यहाँ आपको ऐड फोटो में जाना है, और ये इंस्टाग्राम का PNG आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है डाउनलोडिंग। इसको भी आप ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन करना है और मॉडल के ऊपर लगाना है, फेस के ऊपर इसके, आप देखो बिफोर एंड आफ्टर। इसको आप सेव करना है यहाँ से, और इसको लाइटरूम पे लेके जाना है। इसको अभी लाइटरूम पे ऐड करना है, आप लाइटरूम ओपन कर ले, इसको ऐड कर ले। इसके बाद पर आपको लाइक पे जाना है, इसको आपको बढ़ाना है, ब्लैक थोड़ा इसका माइनस करना है, हाइलाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। इसके बाद आपको जाना है कलर्स में, रेड को थोड़ा सा इसमें माइनस करना है, इसको ऊपर वाले को भी थोड़ा सा माइनस, इसको आप थोड़ा सा डार्क करेंगे, इसको आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और येलो पे जाना है, इसको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से डन करना है, और इसमें जाना है, इसमें हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा ऑरेंज शेप में रखेंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ऑरेंज के उधर रखना है, ऑरेंज टोन मारना है। इसके बाद आपको शेडो में जाना है, शेडो में भी थोड़ा ऑरेंज टाइप मारना है, सैचुरेशन बढ़ाते हैं, बस यहाँ से डन। इसके बाद आपको जाना है यहाँ से, आप देख सकते बिफोर एंड आफ्टर, आपको जाना है इसमें, और इसको थोड़ा सा टेक्सचर को थोड़ा माइनस करेंगे, क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाएंगे, इसके बाद विंग्स को थोड़ा सा माइनस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से जाना है, इसका थोड़ा शार्पनेस बढ़ाना है, और यहाँ से नॉइस मास्किंग, नॉइस रेजोल्यूशन, अब आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है।